फिरोजाबाद में भू माफिया दबंग कब्जा कर रहे हैं जमीन पर, प्रशासन मौन है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र गांव रहना की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर योगी सरकार द्वारा कर रही जो भी माफिया किसी की जमीन पर कब्जा करेगा वह या तो होगा जेल में या लोग बुलडोजरित। लोग रामबाबू जाटव ने बताया कि हम लोगों खुला एक रेस्टोरेंट में जाकर फिरोजाबाद सदरसील में रजिस्ट्रार को बुला कर लिया और तरीके से बैनामा करा दिया। ऐसा ही मामला गांव रहना क्षेत्र में सरकार के दिए हुए पट्टे पर कुछ लोगों ने फर्जी चेक देकर बैनामा करा लिया। जब कानून लोग को राधे श्याम यादव ने जानकारी करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में कई वर्षों से मामला चल रहा था। इन दोनों पक्षों ने हाई कोर्ट पहुँच कर आपस में फर्जीनामा करा लिया था। वही गांव रहना की रामबाबू जाटव ने आरोप लगाते हुए बताया कि अभी हाई कोर्ट से किसी प्रकार का अदायसी पट्टे के मामले को लेकर कुछ पीड़ित ले जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार से लगाई गुहार। जिलाधिकारी मामले को संज्ञात में लेकर टीम गठित कर जाँच करने के लिए आदेश, मगर फिर भी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों का बनाकर अवैध रूप से काम चला रहा है। जांच करने वाली टीम अभी तक नहीं पहुंची। पेट की जमीन पर क्या कुछ कहना था दलित रामबाबू जटो का सुनिए इस लाइव तस्वीर समाचार 24। पराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। जी भाई साहब, क्या नाम है, जमीन को लेकर के क्या पूरा मामला आपका? श्रीमान जी, मेरा नाम रामबाबू है, सदा श्री ठाकुरदास। हमारे पिताजी के नाम पट्टा किया गया था विधिवत तरीके से, अन्य लोग भी इसमें शामिल थे, 8-10 पट्टे थे। उस पर ये सातिर किस्म के अपराधी, ये ज्वाला प्रसाद जी थे, उन्होंने कब्जा कर रखा था। अब हर जगह से मुकदमा इन पर 15C भी चला, 229 भी चला, सब सारे इनके मुकदमे खारिज हुए। इन्होंने एक बाला बाला करके ज्वाला प्रसाद जी ने राजस्व परिषद इलाहाबाद में एक बुट डाल के गोपनीय तरीके से वो आदेश करा लिया। उसका हमारे पिताजी ने माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा डाला, रिट डाली, और रिट संख्या 12792/1984 ठाकुरदास बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो आज इस तरह आदेश हुआ था, उस पर आज भी वो लागू है। और इन लोगों ने बीच में, अब इन्होंने सोचा कि हमको वो नहीं मिलेगा, तो इन्होंने इसमें सातिर किस्म के भू माफिया लोग, इन्होंने उनसे संबंध बना लिए, उनको हमको जैसे तैसे ले जाके बहला फुसला के कि चलो हम फैसला करवाए दे रहे हैं दिनांक 1/7/22 को, यहाँ से लेके गाड़ी में लेके हमको भर के गई वहाँ टूंडला सत्कार होटल पे, इनके स्वामी उदयवीर सिंह यादव जो इनके रिश्तेदार होते हैं कृपाल सिंह सुरेंद्र सिंह के, उन्होंने हमको बात करते अंदर ले गए और एक कमरे में उनको उपनिबंधक जी को भी बुला लिया था और उनके सामने वहाँ हम लोग वहाँ से ऊपर असला रख के और बैनामा कराए कि पैसा हम तुमको देंगे। उसमें चेक नंबर भी दिया है, चेक नंबर का कहीं कोई पैसा कुछ नहीं दिया, हम पैसा देंगे ये करेंगे और हाई कोर्ट में चल के ये लगा दो तब पैसा देंगे। तो गुमराह करके इन्होंने कोई समझौता नहीं हुआ हमारा, वहाँ पे इन्होंने उल्टा हम लोगों को दस्तखत करके वो करा लिया, वो हमने उस पर विद्रोह कर दिया, वो आदेश निरस्त कर दिया गया। 14/10/2022 का आदेश था, वो निरस्त कर दिया गया उसमें 23 में जो हमको सूचना मिली। फिर इन्होंने अब जबरदस्ती कुछ लोगों को और बंधक बना के, ये संजय यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने अपने घर पर कोठी बुला के उनको बंधक बना के वहाँ बैनामा करा लिया उनसे कि पैसा दे रहे हैं, पैसा नहीं दिया, चेक दे देते एक एक साल और एक एक उसके म्याद के, जो बिल्कुल नितान्त गलत है। हम लोगों की जमीन पर अब इनको नजर ऐसी पड़ गई है जो उस पर कब्जा कर लिया है। गाटा संख्या रहना के गाटा संख्या 74 और 81 दोनों पर नीवे भर ली है और उस पर 74 नंबर में बीच में रोड डाला जा रहा है, डाबर किया जा रहा है, उसको रुकवाना जरूरी है वरना हम लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। रामबाबू जी, काफी समय से, कई वर्षों से आपका विवाद विचाराधीन चल रहा था हाई कोर्ट में, फैसला निर्णय नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ उसमें, तो राय सुभाग से हमने बात की अधिकारियों से, उन्होंने बताया कि वहाँ से दोनों का फैसला हो चुका है, जो रैना के जाटव लोग हैं पार्टी और दूसरी पार्टी के लोगों, फैसला हो गया बैठाल के वहाँ लोग गाड़ी लेके, तो उनका ये कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, उन्होंने गुमराह तरीके से पैसा देने का वो बहाना ले करके ले गए, वो पैसा भी नहीं दिया, वहाँ से गलत वो कर दिया, उसका आपने प्रतिवाद कर दिया उस चीज का, जब हमको मालूम पड़े ये नहीं दे रहे हैं और हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है साजिश के तहत, तो हमने उसको कैंसिल करा दिया है। पट्टे कितने लोगों के नाम में थे? कितने? ये 11-12 लोगों के नाम है और उसमें पट्टे वाले तो सब मर गए, गरीब आदमी है, रोजाना मजदूरी कर लेते हैं तो रोटी खा लेते हैं,
उनके पास रोने खाने के लिए पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है ऐसी स्थिति में। अब जमीन खाली बंजर पड़ी है या कोई नहीं, उस पर कब्जा कर लिया है और उस पर रोड लोडर चला रहे हैं, रोड डाल रहे हैं उसमें बीच में 74 नंबर में। तो आप इस मामले को लेकर के आप जिलाधिकारी से मिले? जिलाधिकारी से मिले साहब, हमने उनको 30/10/2023 को एप्लीकेशन दी बाई रजिस्ट्री द्वारा, उसकी जांच कराई गई तहसील में श्री राधेश्याम यादव जी लेखपाल है, वो बाला ऊपर करके रिपोर्ट लगा देते हैं और जब तक उसकी खाते की 33 नंबर खाते की जांच नहीं होगी और जब इनके रहते हुए जांच पूरी होने नहीं देंगे राधेश्याम यादव जी, क्योंकि वो यादव हैं और ये भी यादव हैं तो ये उनकी मदद करते हैं और इनके रहने से हमें उम्मीद नहीं है न्याय की कि वो जांच सही हो, इनको हटा के उच्च अधिकारियों से जांच कराया जाए। मुखिया योगी आदित्यनाथ साहब कहना है कि किसी का किसी पट्टे की बिक्री नहीं होगी, अगर कोई बट्टा बेचते हैं तो लेने वाला भी चिंता नहीं, सरकार को दे दी जाए पर इन भूमाफियाओं को जमीन न दी जाए। अब उसके आपकी जमीन पर काम कौन कौन चला रहे हैं, क्या चल रहा है? ये चला रहे हैं, एक तो धीरेन्द्र यादव जी हैं, संजय यादव जी हैं और एक हीरेन्द्र यादव जी हैं और एक राजेश बंसल जी हैं, ये लोग अपना काम चला रहे हैं, रोड डाल रहे हैं और बड़ी बड़ी प्लाटिंग करने के उसमें है, ये इसको रुकना चाहिए। अब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमको गरीब लोगों को न्याय मिले, दलितों की जमीन है, दलितों की जमीन वहां न जाए, सरकार ने दिए सरकार भले ही ले ले हमारी जमीन। आपके पास आश्वासन लेके पहुंचे तो किस तरह का आश्वासन मिला और क्या निर्णय हुआ? डीएम साहब ने 6/11 को हम लोग मिले थे तो वहां पे उन्होंने ये आश्वासन दे दिया था कि हम जांच करा रहे हैं। दो SDM साहिबान को जांच सौंपी थी, जांच में अभी तक हमको न बुलाया न क्या हुआ, क्या लीपापोती हो रही है कोई जानकारी नहीं हमें। कुछ नहीं आया निकल के। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसकी जो कार्रवाई चल रही है, रोड डाल रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उसको रोका जाए सबसे पहले और उसकी पूरी छानबीन।